हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और बहुत ज़्यादा वेलकम है डोपामिन में। अक्सर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में दुखों से परेशान होते हैं, जिनसे हमें जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। पर कैसा होता कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में किसी भी रूप से, किसी भी तरह से दर्द नहीं होता। वैसे अगर ज़िंदगी में दर्द नहीं होता तो हमारे नुकसान ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी में दर्द हो और लाइफ अच्छी हो, आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा है। और दर्द की कितनी इंपॉर्टेंस है, यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपसे नहीं बोलूँगा कि आप इसे शेयर करें, पर इसे पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी ज़िंदगी में दर्द उतना ही ज़रूरी है दोस्तों जितना कि खाने में नमक। आप कितना भी अच्छे से, कितना भी बढ़िया करके, कितनी भी लागत लगा के, कितने भी अच्छे मसाले मेवे डाल के आप खाना बना लीजिए, पर उसमें अगर जब तक आप नमक नहीं डालोगे स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही ज़िंदगी में दर्द भी ज़रूरी है। जब तक आपकी ज़िंदगी में दर्द नहीं है, आपकी ज़िंदगी में स्वाद नहीं आएगा। तो दर्द के इम्पोर्टेंस जानते हैं एक छोटी सी बच्ची की कहानी से। और ये बच्ची की कहानी रियल है, आप इसे गूगल पे गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इस बच्ची की जानकारी। इस बच्ची का नाम है गैबी जिन जॉरिस। गैबी दिखने में और हाव भाव में दूसरे आम बच्चों की तरह ही है, पर गैबी को एक डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं CIPA। सीपा भी बोल सकती हैं, CIPA भी बोलते हैं। इस डिसऑर्डर में गैबी को पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। वो किसी भी तरीके का पेन फील नहीं कर सकती, ना दिमागी रूप से और ना ही जिस्मानी रूप से। अब इसका नुकसान उसको किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब दर्द को ना फील कर पाने के कारण गैबी अपने आप को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है कि जितने भी प्लास्टिक के खिलौने हैं वो उनको इतना ज़्यादा चबाती है, इतना ज़्यादा उनको दांतों से कुतर देती है कि उसके दांत टूट चुके हैं और दांतों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, पर उसको किसी भी तरीके का पेन फील नहीं होता है। वो अपनी आँखों को इतना ज़्यादा मसलती है कि उसकी दाहिनी आँख से वो अंधी हो चुकी है, उसकी दाहिनी आंख पूरे तरीके से बेकार हो गई है। उसकी दूसरी आंख बची रहे, इस वजह से उसको स्विमिंग पूल में जो ग्लास हम बच्चों को पहनाते हैं प्रोटेक्शन ग्लास, वही ग्लास उसे पहनाए जाते हैं जिससे कि वो अपनी दूसरी आंख को भी मल मल के ख़राब ना कर ले। अक्सर आप और मैं अगर बचपन में रोए हैं या फिर हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो हम अपनी आँख को ऐसे से मसलते हैं, हल्का ज़्यादा करने लगे तो हमारी आँख पेन फील करने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। या आपने या मैंने कितने ही अपने दांतों से खिलौनों को चबाया होगा या फिर अपने इतनी कोई चीज़ ऐसी चबाई होगी या कुछ खाने को भी ऐसा चबाया होगा कि हमारे दांतों में से खून निकल आए, पर गैबी को इस तरीके का कोई भी पेन फील नहीं होता। तो ये छोटी सी मैंने आपको वीडियो बताई थी कि ज़िंदगी में दर्द होना कितना ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत समझ नहीं पाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी हमारी कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, हमें अपनी रब की तरफ से कितनी ज़्यादा नियामतें मिली हुई हैं, हम इन बातों का कभी भी फील नहीं कर पाते अगर हमारी ज़िंदगी में दर्द नहीं होता। और वो दर्द ही तो होता है दोस्त जो हमें रोज़ इम्प्रूव करने में और एक बेटर इंसान बनने में हेल्प करता है। अगर दर्द नहीं होता तो क्या इंसानी कौम या इंसान अपने आप को इतना तरक्की को पहुँचा पाता? अगर हम ठंड फील नहीं कर पाते तो हम इतनी ज़्यादा जैकेट्स वगैरह नहीं पहनते और कितने ही लोग हाइपोथर्मी हैं और ठंड से अकड़ के मर जाते हैं। या अगर हम गर्मी को या हमारी खाल जलने पे हम गर्मी को, आग को महसूस न कर पाते तो कितने लोग जल के मर जाते। तो पेन हमारी लाइफ में की पॉइंट है, हमारी लाइफ में नमक की तरह है जो ज़िंदगी में स्वाद लेके आता है। मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मैं प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।